इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि निराश्रित महिला यानी विडो पेंशन क्या होती है, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, क्या इसका प्रोसेस होता है। तो ये बने रहे इस वीडियो में, पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। बताएंगे आपको डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं अथवा नहीं करने हैं कि आपका ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए करना क्या, देखिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको तीनों पेंशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये निराश्रित महिला पेंशन है, आपको इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आवेदन करें, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अगर आप गांव से हैं तो आपको ग्रामीण चूज करना, अगर आप शहरी एरिया से आते हैं तो नगरी चूज करना। और यदि ग्रामीण एरिया से आते हैं तो ग्रामीण चूज कर लेंगे, तहसील कहाँ लगती है वो यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक चूज कर लेना है, पंचायत क्या लगती है वो आपको यहाँ पर अपने गाँव का नाम चूज करना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने विलेज का नाम चूज कर लेना। अब देखिए यहाँ पे बात आती है आवेदिका का नाम, यानी जो एप्लीकेंट है उनका नाम डालना है। देखिए नाम है वो आपको आधार बेस डाल लेना है, जिस तरह से आपके आधार कार्ड पे स्पेलिंग लिखी है वैसे ही आपको सेम स्पेलिंग डालनी है, बिल्कुल मिसप्रिंट नहीं करनी है क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन होगा। अगर आप गलत स्पेलिंग डाल देते हैं तो ये आधार ऑथेंटिकेशन में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या वो चूज करनी। उसके बाद देखिए इनके पति का नाम क्या, हस्बैंड नाम क्या वो डाल देना है। कैटेगरी किससे आती है, एससी ओबीसी एसटी जनरल जिससे भी आते हैं यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको सही डालना है, यानी जो भी आपका पास चालू नंबर है वही डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पे कंफर्म डाल देना, सेम आपको नंबर यहीं पे डाल देना। और यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको डाल देना कि आपका पूरा एड्रेस क्या है वो यहाँ पे फिल कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल देनी होगी, जो उनका पैसा आएगा वो किस अकाउंट में आप लेना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपनी बैंक यहाँ पे चूज करनी है, बैंक का नाम स्टेट बैंक है तो हम यहाँ पे इनके चूज कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात जाए यहाँ पर बैंक शाखा का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी आपका अकाउंट है तो देखिए आपको यहाँ पर अपनी ब्रांच का नाम चूज करना है। देखिए जैसे आप अपनी ब्रांच चूज करेंगे वैसे यहाँ पर ब्रांच शाखा का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी शाखा में आपका अकाउंट है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। देखिए एक चीज कर लेंगे वैसे यहाँ पर आपका IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, आपको अकाउंट नंबर ठीक डालना है, जो भी आपके पासवर्ड लिखा है वो यहाँ पर आप डाल देना है और सेम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद देखिए आपको अब देखिए यहाँ पे आय का विवरण देना है। अब देखिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा जो तहसील के द्वारा इशू किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, जो इनकम सर्टिफिकेट होता है अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो देखिए 46,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आप शहरी एरिया से आते हैं तो देखिए 56,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके ज्यादा होगा तो देखिए आप यहाँ पे पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको दोबारा से सर्टिफिकेट बनवाना होगा तभी आप अप्लाई कर सकते। तो देखिए यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देना और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड करना। देखिए जो फोटोग्राफ लगाना वो देखिए आपको कलर ही लगाना। अब देखिए यहाँ पे अपलोड जन्म तिथि से रिलेटेड, अब देखिए यहाँ पे हो जाए यानी आपको अपनी एज वेरीफाई कराने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना डेथ सर्टिफिकेट है जो आपके पति का है वो डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट ये लगेंगे देखिए PDF में लगेंगे। देखिए आपको यहाँ पे 200 KB से ज्यादा के नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पे अपलोड कर देना, इसको टर्म को एक्सेप्ट करना, ई वाला कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के आपको सबमिट कर देना। तो देखिए यहाँ पे आपका पंजीकरण नंबर यानी पेंशन नंबर इशू कर दे, आपको इसे जरूर नोट कर लेना और आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू भी भेज दिया गया है। उसके बाद ये आपको नीचे यहाँ पर कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ पे क्लिक करें तो आपको इस पे क्लिक कर देनी है, आपको आगे प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपनी पेंशन चूज करना है, तो ये विडो है तो विडो चूज कर लेंगे। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर इशू है वो आपको यहाँ पे डालना और जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था वो नंबर डालना, ये आपको यहाँ पे सेंड OTP कर देना है। तो जी जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, आपको यहाँ पे डालना है उसे। तो देखिए OTP है, मैंने रजिस्टर्ड मोबाइल पे भेज दिया है, यहाँ पे लिखा है। अगर OTP नहीं आ पा रहा तो एक मिनट का आपको इंतजार कर लेना, एक मिनट के बाद आपके मोबाइल पे आ जाएगा, तो उसे यहाँ पर डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो देखिए जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी देखिए आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 है, आपको इस पे क्लिक करनी है। जैसे 2 पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, अभी भी कुछ गलती है तो अभी सुधार सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे आना। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपकी सारी डिटेल देखने को मिलेगी, आपको सिर्फ इस टर्म को एक्सेप्ट करना है, ई वाला कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे अपडेट डिटेल है आपको इस पे क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल है अपडेट सक्सेसफुली हो चुकी, आपको यहाँ पे ओके कर देना। तो देखिए जैसे ओके कर देंगे देखिए अभी आपका है फॉर्म है वो अभी भी फाइनल सबमिट नहीं हुआ, अभी भी करेक्शन करना चाहते तो कर सकते हैं, उसके देखिए आपको फिर से नीचे आना। अब देखिए आपको ई वाला कैप्चा कोड है यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना, बल्कि अपडेट नहीं करना बल्कि आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपकी डिटेल है देखिए सबमिट हो चुकी है, अब आप स्टेप नंबर 3 वाली बटन पर आपको क्लिक करनी है। अब देखिए आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। अब देखिए जैसा भी आपका आधार कार्ड पर नाम पड़ा है देखिए यहाँ पे आपको ये देख लेना वैसा ही लिखा है, अगर अभी भी कोई स्पेलिंग गड़बड़ है तो देखिए अभी यहाँ सही कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना। देखिए यहाँ पे 3 अटैम्प मिलेंगे, अगर तीनों अटैम्प आपने निकाल दिए तो देखिए आपकी पेंशन लॉक हो जाएगी, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल देना, इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है यहाँ पे डाल के आपको चेक आधार ऑथेंटिकेशन कर देना। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ऐसा ग्रीन टिक लग जाएगा यानी आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल।
तो देखिए हमने यहाँ पर सही का ग्रीन टिक लग जाएगा, समझ लेना आपका आधार अटिकेट डन हो चुका है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट कर देना। अब देखिए यहाँ पर आपकी डिटेल है वो डन हो चुकी है, स्टेप नंबर थर्ड सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए आप कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अब नहीं हो। देखिए जब आपकी सारी स्टेप कंप्लीट हो जाती है तो देखिए अगर हाँ से आपकी प्रिंट निकल रही है तो निकाल रहे हैं, नहीं निकल रही है तो देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका एक या डेढ़ महीने के अंदर ऑटोमेटिक आपकी पेंशन है पास हो जाएगी और आपके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब किसी के पास आपको अपनी जो विधवा पेंशन वाले हैं वहाँ डॉक्यूमेंट आप वीडियो या फिर आपको DW के पास नहीं ले जाने होंगे, वो ऑटोमेटिक आपका फॉरवर्ड हो जाए। तो यदि आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहले वॉच करें, सब्सक्राइब कर लें। योजना से रिलेटेड फिर कोई नई अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच। अब देखिए आपको पेंशन कहीं ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपकी पास हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।